फिल्म जगत की लेटेस्ट ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। सर, आप पुरानी फिल्मों और नई फिल्मों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क तो बहुत है, टेक्निकली बहुत फ़र्क है, एक्टिंग वाइज बहुत फ़र्क है। आजकल के बच्चे बहुत अच्छा सीख के आए हैं और अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इतना नेचुरल कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे बेचारे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और थी, स्टेज की थी। आज तो ये कर रहा हूँ मैं याद लाते माथे पे तिलक लगा दूँ, लगा दिया, ये एक्टिंग हो गई, इतना भी कर दिया क्योंकि ये कैमरा है आया हुआ। लेकिन वहाँ नहीं था, उस वक्त माइक ही नहीं थे। बेटे इधर आओ, मैं तुम्हारे तिलक लगा देता हूँ, यूँ बोलना पड़ता था, इतना लंबा तिलक करना पड़ता था क्योंकि माइक थे नहीं। आखिर की ऑडियंस भी सुने आपकी आवाज़, वो भी शक्ति चाहिए, अंदर ताकत चाहिए बोलने के लिए। उस वक्त के एक्टर हुआ करते थे तो चाचा पाँच पाँच घंटे ड्रामे चलते थे, जिसमें गाने भी हैं, हीरो मर भी गया, वंस मोर रो रहा तो खड़ा होकर गाना फिर गा रहा है, वो तब की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग सीखते 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 आज एक्टिंग ये आ गए, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं दूसरे, इतने अच्छे एक्टर हो गए हैं आजकल, जो करेक्टर को समझते हैं, उसे उसकी फीलिंग्स को लाने की कोशिश करते हैं बड़े नेचुरल ढंग से। तो आजकल एक्टर बहुत अच्छे आ गए, बड़े अच्छे आर्टिस्ट आ गए, और मैं कहता हूँ वाह भाई वाह वाह बच्चों, बहुत अच्छे, और भगवान करे कि वो आगे बढ़ें, इसी तरह और आने वाली जनरेशन नई चीज़ें लेके आए आपके लिए हमारे लिए। सर, आप फिल्मों में हैं, आपके परिवार से भी कोई फिल्मों में आया? नहीं, कोई मेरे परिवार से, मेरे परिवार का कोई सदस्य इस काम में नहीं है। मैं एक आ गया, बहुत बड़ी बात थी, वो भी कहाँ से आ गया पता नहीं है। हमारी यादें।